सोनीपत के देवडू रोड स्थित दिल्ली विद्यापीठ स्कूल में आज हॉबी हार्ट सेंटर द्वारा ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया गया। इस दौरान हॉबी हार्ट सेंटर के संजीव गांधी ने प्रतियोगिता के बीच पहुंचकर विद्यार्थियों की प्रतिभा का निरीक्षण किया। इस दौरान हॉबी हार्ट सेंटर के संजीव गांधी ने बताया कि दिल्ली विद्यापीठ के विद्यार्थियों में ड्राइंग को लेकर काफी रुचि दिखाई दी। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले हैं, विद्यार्थियों को बाद में सर्टिफिकेट और इनाम दिया जाएगा। मैं संजीव गांधी, जिला सेवा प्रकोष्ठ भाजपा सोनीपत का संयोजक हूँ। इसके अलावा हॉबी आर्ट सेंटर सेक्टर 14 से मैं सेक्रेटरी हूँ हॉबी आर्ट सेंटर का। उसके इन दोनों संस्थाओं के तत्वाधान में आज दिल्ली विद्यापीठ में ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन का एक आयोजन किया गया, जिसमें 120 बच्चों ने भाग लिया है। इस कंपटीशन का हमारा मकसद ये है कि भाई बच्चों को आगे भी प्रमोट करना। सिर्फ ये एक स्कूल लेवल का कंपटीशन नहीं, आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी ये बच्चे कॉम्पीट करने जाएंगे। बेस्ट ऑफ 5 बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और उन बच्चों को आगे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल पे इनको आगे कॉम्पीट कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया दिल्ली विद्यापीठ के जो विद्यार्थी हैं, उनकी प्रतिभा आपको किस तरह की लगी? सर, अभी तो जो हम इनको ऑब्जर्व करके आए हैं उसके आधार पर बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं। बाकी मेन डिपेंड करता है उनकी कलरिंग और स्केचिंग जी। बाकी विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको ड्राइंग में भाग क्यों लेना चाहिए? देखिए, ड्राइंग का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, कला का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हर कोई अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकता है बिना ज्यादा पैसा। जो बच्चे समर्थ नहीं है वो बिना किसी ज्यादा खर्च किए हुए भी इस कार्य में अपना अच्छा प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। वही स्कूल प्रिंसिपल अनुराधा ग्रोवर ने बताया कि दिल्ली विद्यापीठ स्कूल निरंतर विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया गया है, जिससे विद्यार्थी अपनी भावना को भी ड्राइंग के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ड्राइंग कंपटीशन आज हमने बच्चों को करवाया है। एक तो अभी समर ब्रेक के बाद बच्चे आए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए ताकि बच्चे थोड़ा पढ़ने में मन लगाएं, थोड़ा अपने टारगेट पर आए, अपने जो उनकी क्लास से रिलेटेड बातें हैं उन पे आ जाएं। अब छुट्टियां बिता के बहुत मस्ती करके आए हैं, दैट्स व्हाई हम चाहते हैं उनको अब ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो टच में रहें और अच्छे से अच्छा। और ड्राइंग कंपटीशन का मेन मोटिव जो हमारी तरफ से कराने का ये है, वही जो अभी सर ने बात कही कि ये ड्राइंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मन के भावों को हम चित्र के द्वारा उतार सकते हैं। ठीक है, इससे बच्चे बहुत आगे जाते हैं। आजकल आप लोगों ने सुना भी है ग्राफिकल कोर्स, एनिमेशन से, ये सब चीज़ ड्राइंग बहुत आगे इन बच्चों को ले जाती है, जो बच्चों को बहुत ही अपने अपने कह सकते हैं कि एम तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। और इस तरीके की कंपटीशन तो अभी शुरुआत है, अभी तो पूरा साल है, आप देखते रहिएगा हम कितने कॉम्पिटिशन बच्चों की एक्टिविटीज़ को आगे लेकर आते हैं और हमारे बच्चे जरूर आगे ही निकलेंगे, ये हमारी पूरी पूरी उम्मीद है और हमारा आशीर्वाद। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।